हाय शुभम, हाय, हाउ आर यू? आप देख पा रहे हैं खुद को? वन सेकेंड ना, मैंने एक मिनट आपको शायद थोड़ा 1 मिनट। यस, नाउ यू ऑडिबल। ओके या सो हाउ आर यू मैम। आई एम गुड। हाय, गुड गुड गुड। सो शुभम, 2018 का इंटरव्यू के बाद आज आपका 5 साल बाद एक और मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो इंटरव्यू है ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि अब आप ग्रेजुएट डिग्री के साथ आप अपनी रेडी हो टू कम एंड सर्व द कंट्री बैक इन इंडिया, राइट? या क्या प्लान्स है आपके अभी? क्या सोचा है, इंडिया ही वापस आने का सोच रहे हो या आपका कुछ और प्लान भी है? अभी तक के लिए तो मेरा यही प्लान है कि फॉर एग्जाम्पल आई विल बी ग्रेजुएटेड इन दिसंबर और मे बी जनवरी। सो आफ्टर दैट मैं प्रिपेयर करूंगा एमसीआई के लिए, और फिर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जून अटेम्प्ट मिलेगा एमसीआई वाला, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। और उसके बाद एमसीआई क्लियर करके फिर ऑफ कोर्स मुझे 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में, उसके बाद ही मुझे लाइसेंस मिलेगा। और फिर उसके बाद प्लान्स उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा, पर फॉर अभी तक के लिए मेरा यही प्लान है कि फॉर सबसे पहले एमसीआई क्लियर करके अपना लाइसेंस कैप्चर करूंगा। जो स्टूडेंट्स हम लोग के साथ अभी इस लाइव में है, वेबिनार में, मैं उनको बता दूं, शुभम हमारे थ्रू न्यू विजन यूनिवर्सिटी में गए थे जो कि तिबलिसी में है, जॉर्जिया में। और इस यूनिवर्सिटी को इन्हें सिलेक्ट किया था, काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा। और आई थिंक टाइम तो आपका भी वीजा का लगा ही होगा शुभम, यस लेकिन जो सर। कि नॉर्मल है, बहुत से बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि इतना टाइम, लेकिन जॉर्जिया इज एक्चुअली नॉट इजी एंड एज वेल एज नॉट वेरी शॉर्ट प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। तो शुभम को दिक्कतें भी आई थी, उसकी वजह से 1 साल का दिक्कत आया था, एक अटेम्प्ट, मतलब एक जो इनटेक था उन्होंने मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस विच वॉज नॉट सपोज टू हैपन। लेकिन उसके बाद भी उनका जो सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने इनटेक में लिया, वो तुरंत उनका सही तरीके से पूरा। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपना जो वीजा प्रोसेस थोड़ा बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत से हैं जो थोड़ा सा ना डिले भी हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे तो आप? जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पे भी मैंने बहुत बार बता रखा है स्टूडेंट्स को कि वीजा प्रोसेस में थोड़ा यस, टाइम लगता है। ऑल्सो यू गाइज शुड फॉलो शुभम्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसमें डाली हुई है। उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज इसमें डाल दूंगी, यूट्यूब वीडियो में। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है सारे स्टूडेंट्स को कि वीजा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 to 3 weeks आपको वेट करना है। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जॉर्जिया इस समय पीक पे चल रही है, सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया ही प्रीफर कर रहे हैं, और उसका रीजन भी है कि यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस्ड है। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करो, आप फीस स्ट्रक्चर की बात करिए, आप फैसिलिटीज की बात करिए, आप यूनिवर्सिटीज की क्वालिटीज की बात करिए, तो यहाँ पर इकोसिस्टम मेंटेन्ड है जॉर्जिया में, इसीलिए सारे बच्चे जॉर्जिया प्रीफर कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन भी लोग पहले प्रेफर करते थे, लेकिन आपको पता है वॉर के बाद वो कंट्री अब सेफ नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। रशिया भी सेफ नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चल रहा है और चलता ही रहेगा, मेरे को पता नहीं अब कब खत्म होगा। जॉर्जिया इज वन ऑफ द कंट्री जो अभी सेफेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब एक बल्क एडमिशंस होते हैं किसी कंट्री में तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, गवर्नमेंट को भी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी, दोनों के कोलेबोरेशन है, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस आपको टाइम, आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें वीजा प्रोसेस मैं आपको बता दूं शुभम, अब 2-3 हफ्ते वाली बात नहीं रही, अब तो महीने की बात हो रही है। काफी में। ऑफ कोर्स बिल्कुल महीने भी डॉक्यूमेंट्स। हो सकता हाँ है, बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड करता है जॉर्जियन गवर्नमेंट पे और यूनिवर्सिटीज पे। जैसे कि जितना बिल्कुल जल्दी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी, जितना जल्दी वो आप कंसल्टेंट को भेजेगी, आप उतना जल्दी अप्लाई करोगे वीएफएस में, बिल्कुल वीएफएस एम्बेसी में भेजेंगे, एम्बेसी वाले वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करके वो इंडियन एम्बेसी में आएगा, इंडियन एम्बेसी से वीएफएस में आएगा, वीएफएस के बाद आप लोगों के पास आएगा। तो एक लेंथी प्रोसेस होता है और वो स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं इंडिया में, और सारी और चीजें सारी एक्सप्लेन चीजें करती एक्सप्लेन हैं। करती हैं। लेकिन ओ ओके, जी जितना जी बोलिए मैंने देखा है, मैम। जो है स्मॉल जो स्टूडेंट्स स्मॉल हैं, जो जो एजेंट्स हैं, एजेंट यू नो, हैं, जो यू नो प्रॉपर जो प्रॉपर कंसल्टेंसी खोल कंसल्टेंसी के खोल नहीं के बैठे नहीं हैं, बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स जो को ब्लफ स्टूडेंट्स करने को के लिए ब्लफ बैठे करने के लिए हैं, बैठे हैं, वो उनको वो उनको मिसगाइड मिसगाइड करते हैं। करते हैं। और और आजकल जैसा कि आजकल आपको जैसे कि पता आपको है पता है कि सब कि लोगों सब को लोगों इसी को फील्ड में इसी घुसना फील्ड है, में सब घुसना है, लोगों को सब लोगों को कंसल्टेंट बनना कंसल्टेंट है, बनना भले है, उनको भले कोई भी उनको नॉलेज नॉलेज हो हो या या ना ना हो, हो, एक्सपीरियंस हो या ना एक्सपीरियंस हो, लोग तो वो भी एक बन रहे हैं, इनएक्सपीरियंस लोग भी बन रहे हैं।
ये ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, तो क्योंकि तो मैंने यहाँ क्योंकि देखा मैंने है कि देखा है यहाँ पर कि यहाँ स्टूडेंट पर पढ़ रहे स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं और और अभी पढ़ ही अभी रहे पढ़ हैं ही और वो रहे हैं और कंसल्टेंसी खोल के बैठे कंसल्टेंसी हैं, साथ साथ ही एडमिशंस काम कर भी रहे कर हैं, रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल वो सेफ बिल्कुल नहीं सेफ है। नहीं आप है। उसके वो बिल्कुल मत आइए, आप एक रिनाउंड कंसल्टेंसी को हेल्प कंसल्ट करिए, वही आपका प्रोसेस फास्ट, ये मेरा मेरा ओपिनियन ओपिनियन है। है। जी। तो मैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है शुभम जो कि एज अ स्टूडेंट आप ही आंसर कर सकते हो बिकॉज आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। मुझे जो पहले वीडियो डाली उसमें बच्चों ने पूछा कि मैम यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट सिस्टम्स नहीं है, थोड़ा सा आप क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो अगर अगर हम हम बात बात करें करें क्रेडिट क्रेडिट सिस्टम की, सिस्टम की, तो तो जॉर्जिया जॉर्जिया के के अंदर अंदर 360 360 क्रेडिट क्रेडिट सिस्टम सिस्टम फॉलो फॉलो होता होता है, है, ECTS ACTS सिस्टम फॉलो होता है, और उसमें उसमें 360 क्रेडिट आपको आपको लेने लेने हैं हैं 6 ईयर्स सिक्स ईयर्स में। में। अब अब जो जो रूल रूल आ आ गया गया है है वो वो 6 ईयर सिक्स ईयर का का रूल रूल आ आ गया गया है। है। जब जब हमारा हमारा एडमिशन एडमिशन हुआ हुआ था था 2017-18 2017-18 में, में, तब तब 5 ईयर रूल रूल चलता चलता था, था, लेकिन लेकिन 2020 2020 में में जॉर्जियन जॉर्जियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ने यूरोपियन यूरोपियन क्रेडिट क्रेडिट सिस्टम सिस्टम फॉलो फॉलो किया किया है है और और 6 ईयर6 ईयर का का रूल रूल अप्लाई अप्लाई कर कर दिया दिया है है पूरे पूरे जॉर्जिया जॉर्जिया में। में। आप आप किसी किसी भी भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में में जाइए, जाइए, आपका आपका कोर्स कोर्स 6 ईयर्स6 ईयर्स का का होने होने वाला वाला है। है। 30 क्रेडिट क्रेडिट पर पर सेमेस्टर सेमेस्टर आपको आपको मिलेंगे, मिलेंगे, एक साल में में आप आप 60 क्रेडिट ले 60 क्रेडिट ले सकते सकते हो हो और और 5 साल में 360 क्रेडिट पूरे हो पांच साल में जाएंगे। ऐसा ऐसा सिस्टम सिस्टम फॉलो फॉलो होता होता है जॉर्जिया जॉर्जिया में। में। राइट। तो 360 क्रेडिट्स लेने हैं और तभी आपकी MBBS डिग्री फुलफिल होगी, ऑफकोर्स, ठीक यस है। यस। ये बात करें कि देखिए इंडिया और जॉर्जिया में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं या पैटर्न है, या तो सब्जेक्ट की ना बात करें पैटर्न की बात करें, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? पैटर्न पैटर्न ये ये डिफरेंस डिफरेंस है, है जैसे तो फॉर एग्जांपल जो जो इंडियन इंडिया में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं उनका उनका होता होता है है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीजें, चीजें, उनकी उनकी पूरी पूरी क्रिटिकल क्रिटिकल फॉलो फॉलो करनी करनी पड़ती पड़ती है है और और उसका उसका सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स एग्जाम्स होते होते हैं। हैं। लेकिन जॉर्जिया में ये ये सब सब नहीं नहीं होता होता है। है, जॉर्जिया जॉर्जिया में में आपके आपके प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स होते होते हैं, हैं, क्लासेस क्लासेस आपकी आपकी होती होती हैं, हैं, लेकिन लेकिन आपके आपके MCQ MCQ बेस्ड बेस्ड एग्जाम एग्जाम होते होते हैं हैं और और ऑस्कीज ऑस्कीज होते होते हैं। हैं। आपके आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम एग्जाम नहीं नहीं होते होते हैं हैं आपका आपका कोई कोई भी भी किसी किसी भी भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का, का, पूरे पूरे 6 साल6 साल में में आपका आपका एक एक भी भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी भी एग्जाम एग्जाम नहीं नहीं होगा। होगा। फर्स्ट फर्स्ट फोर फोर टू टू फाइव फाइव सेमेस्टर्स सेमेस्टर्स आपके आपके नॉन नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स रहते रहते हैं, हैं, बेसिकली बेसिकली हर हर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में, में, जिसमें जिसमें आपको आपको फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पैथो, पैथो, फार्मा, फार्मा, एनाटॉमी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, माइक्रो, ये ये सब सब आपके आपके सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स रहेंगे रहेंगे और और इसमें इसमें आपके आपके मिड मिड टर्म टर्म होंगे होंगे और और फाइनल फाइनल होगा। होगा। तो तो मिड मिड टर्म टर्म भी भी आपका आपका एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड बेस्ड होगा होगा और और फाइनल फाइनल भी भी आपका आपका एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड बेस्ड होगा। होगा। लेकिन लेकिन सेमेस्टर सेमेस्टर और और वी वी कैन कैन से से लाइक लाइक फ्रॉम फ्रॉम थर्ड थर्ड ईयर ईयर आपके आपके क्लिनिकल क्लिनिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाते जाते हैं, हैं, जिसमें जिसमें आपके आपके सर्जरी, सर्जरी, गायनेक, गायनेक, मेडिसिन, मेडिसिन, ये ये सब सब आपका आपका स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाएगा जाएगा इंटरनल इंटरनल मेडिसिन। मेडिसिन। तो तो उसमें उसमें फिर फिर आपका आपका जो जो फाइनल फाइनल होता होता है है वो वो कन्वर्ट कन्वर्ट हो हो जाता जाता है है ऑस्की ऑस्की में में बाय 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 एग्जाम, एग्जाम, जैसे जैसे इंडिया इंडिया में में होता होता है। है। तो तो बस बस यही यही डिफरेंस डिफरेंस है है और और बहुत बहुत सही सही है है एक एक तरीके तरीके से, से, क्योंकि क्योंकि जब जब आप आप एमसीआई एमसीआई देने देने जाओगे जाओगे तो तो वो वो भी भी एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड बेस्ड एग्जाम एग्जाम होता होता है, है, पीजी पीजी के के एग्जाम एग्जाम देने देने जाओगे जाओगे वो वो भी भी एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड बेस्ड एग्जाम एग्जाम होता होता है। है। तो तो एक एक बेनिफिट बेनिफिट रहता रहता है है हमें हमें कि कि हम हम लोग लोग यू यू नो नो पहले पहले से से प्रिपेयर प्रिपेयर रहते रहते हैं हैं हाउ हाउ टू टू सॉल्व सॉल्व एमसीक्यू एमसीक्यू एग्जाम। एग्जाम। आप जितने भी स्टूडेंट्स जॉर्जिया आएंगे वो ये एक्सपेक्ट करके चलें कि थर्ड ईयर से उनकी क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट 2.5 ईयर्स आपके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही रहने वाले हैं। राइट। देखिए बच्चे ना पहली बार जब आते हैं तो उन्हें क्वेश्चन होता है बुक्स कौन सी ले जाएं, ले भी या नहीं ले जाएं कोई बुक्स, और अगर कुछ अगर आप दो तीन बुक्स सजेस्ट करेंगे तो वो कौन सी होंगी? जी बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बता रखा है, मैं आज फिर से सबको बता देता हूँ कि इन 2023 अगर आप एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट टाइम, आप बिल्कुल भी बुक्स कैरी करके मत आइए, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड वेट अलॉट रहता है जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हो। 30-40 kg आपके पास रहते हैं, उसमें आपको सारा कपड़े, यूटेंसिल्स, अपने अदर स्टफ, क्योंकि आप पहले ईयर, फर्स्ट ईयर आओगे, आप हॉस्टल में रहोगे, आपको पता नहीं रहता यहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, आपके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जो चीज़ आपको नेसेसरी है वो आप पहले लेके आए, क्योंकि बुक्स आप देखिए 2023 में, मैं खुद अब पहले मैं भी बुक्स बहुत सारी लेके आया था फिजिकल बुक्स, लेकिन अब 2023 में हम लोग सब आईपैड पे पढ़ते हैं, सारी बुक्स हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, बुक आईपैड में हाईलाइट कर लेते हैं, तो ई बुक्स ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग फॉरेन में भी, और अब इंडिया में भी ई बुक्स ज्यादा प्रीफर करने लगे, क्योंकि आपको पता है एक एक मेडिकल बुक 2-2.5 किलो की बुक्स होती हैं। अगर बिल्कुल आप 8 सब्जेक्ट की बुक भी लाओगे तो आपका 10-15 किलो आपका वजन हो जाएगा और बिल्कुल आपके पास इतना वेट है नहीं। तो मेरा बिल्कुल ये सजेशन है कि आप बुक्स मत लीजिए, डाउनलोड करिए बुक, आप इंटरनेट से आपको सारी फ्री बुक्स अवेलेबल हैं, सारी इंटरनेट पे आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी लेटेस्ट एडिशन की, और आप एक अच्छा सा आईपैड प्रीफर करें, आईपैड नहीं तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, और उसमें ही सारा आप स्टडी करें। और अगर कोई स्टूडेंट्स को बुक लानी भी है तो वो
ला सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा सेकेंड टाइम लेके जाए। जब फॉर एग्जाम्पल आप एक सेमेस्टर आपने यहाँ पर होगी वेकेशन में आप इंडिया में, उसके बाद फिर आप सेकेंड टाइम जब आओ तब आप अपनी बुक्स ला सकते हो। फर्स्ट एनाटॉमी आपके स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर से, एनाटॉमी के लिए यहाँ पर मूर और ग्रेस प्रीफर की जाती है, बायोकेमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिन कोट प्रीफर की जाती है, हिस्टोलॉजी आपकी प्रीफर की जाती है, जंकुरिया भी प्रीफर की पैथोलॉजी के लिए जाती कौन है। सी? हिस्टोलॉजी के लिए जंकुरिया या फिर आप लिपिन कोट, दोनों में से कोई भी प्रीफर कर कोई सकते भी हो। एक लिपिन कॉर्ड भी ले सकता है। ओके यस, माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लेंज की प्रीफर कर सकते हो, बहुत बेस्ट बुक है। पैथो के ओके लिए और फार्मा के लिए भी ऐसी, तो आप फर्स्ट ईयर की जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊं, बीडीसी चौरासिया भी बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया हम बीडीसी चौरासिया पढ़ सकते हैं कि नहीं एनाटॉमी के लिए, तो आप बिल्कुल उसको प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बेसिक्स आपके उससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब्रॉड में वो इंडियन ऑथर की बुक है इसीलिए वो लोग यहाँ प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको करना है पर्सनली आप कर सकते हो, अब्रॉड में मूर या फिर ग्रेज ही प्रीफर की जाती है। तो ठीक है। ओके ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें। तो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स आपने बताया कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपने बोला एनाटॉमी होती है, हिस्टोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, यस माइक्रो होती है, माइक्रो होती है, चार सब्जेक्ट्स मेन होते होंगे ना? यस फर्स्ट ईयर वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू विजन की बात करिए, तो बॉडी न्यू विजन सिस्टम, में आपके, हाँ बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम, वो कम बॉडी सिस्टम में ही आपका फिजियोलॉजी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ये कंपेयर कर देते हैं वो लोग, फिर माइक्रो अलग से हो जाता है, लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट बना देते हैं, लाइफ साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ये आ जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं काइंड ऑफ। लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स को एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि 19 सब्जेक्ट्स ही आप पढ़ने वाले हो, जो इंडिया में आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वही 19 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, बस उनका डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग जो की जाती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, लेकिन पढ़ना आपको वही 19 सब्जेक्ट्स है। अच्छा शुभम, आपने जॉर्जन तो लर्न कर ली होगी, जॉर्जन लैंग्वेज आ गई होगी आपको, कार्तुली नहीं? कार्तुली मेरे को पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे को कार्तुली सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, डे वन से ही मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे को वापस अपने कंट्री जाना है, तो मैं यहाँ की लैंग्वेज के क्या ही करूँगा। और पर जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत कार्तुली सीख लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग आए थे हमें कोई मतलब किसी ने हमें बताया नहीं था कि आप बेसिक वर्ड सीख लीजिए या फिर के और जाओ कार्तुली लैंग्वेज होती है, उतनी 2017-18 में इतनी एक्सपोजर नहीं था। नहीं था, तो लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं वो इंटरनेट से या फिर कहीं से ठीक भी है, आ रहे हैं। ऑनलाइन बेसिक जो वर्ड्स हैं, मैंने बता भी रखा है कि आप 10-15 बेसिक वर्ड्स हैं अगर आप वो सीख लेते हो तो आपकी लिविंग बहुत इजी हो जाती है जॉर्जिया में। चलो थैंक यू का बता देते हैं, मादोबा मादलोबा होता है, और और ग्रीटिंग फॉर करने के एग्जाम्पल लिए। अगर हाँ किसी को आप मिले तो गामर जोबात बोलना होता है, अगर आपसे बड़े हैं तो गामर जोबात, अगर आपसे आपके एज के हैं या फिर छोटे तो गामर जोबा ये होता है, और मादलोबा थैंक यू का हो गया। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का प्राइस पूछना है तो रामदेनी बोलते हैं, एस रामदेनी मतलब कितने रुपए का है। और अगर आपको बस स्टॉप पे जाना है तो रुकना है तो गाचरे बस तन गामी चेरे, वो ये सब अभी बच्चे इतना मेरे को नहीं लगता ग्रास्प कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत टिपिकल है, हम लोगों को 4 साल लग गए इतना सीखने में, तो गामर जब जोबा, आई उनको थिंक मैं बताती हूँ, गामर जोबा इज बेस्ट, यू नो, कम से कम गामर जोबा यस जरूर यस कर यस दो, है ना? यस 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 गामर जोबा इज वेरी गुड वर्ड, आप प्रिफर करिए सबको बोलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को, अगर कोई उनको ग्रीट करता है मिलने पे बहुत खुश हो जाते हैं। और लोग करते अभी भी हैं आप ये लोग, हमारे इंडिया में इतना नहीं हाँ है। यहाँ पर आप करेंगे, आपको किसी शॉप में आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो, आप रिसेप्शन पे पहुंच रहे, काउंटर पे पहुंच रहे, उसको गामर जोबा बोलिए, तो वो एक एक जेस्चर होता है जो यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, और वो बहुत अच्छा जेस्चर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देख के, और आप लोगों को भी प्रिफर करना चाहिए वो सब चीजें, क्योंकि आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जा रहे हो अगर आप ये सब करते हो बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का पार्ट है जॉर्जियन लैंग्वेज? इट डिपेंड्स, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट सेमेस्टर मेरे यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं था, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑप्शन दिया था, इफ यू वांट टू लर्न जॉर्जियन यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू लर्न जॉर्जियन यू डोंट नीड टू अटेंड द क्लासेस, सो वी वर लाइक वी डोंट वांट टू लर्न जॉर्जियन, सो वी डिडंट अटेंड एनी क्लासेस, एंड यू नो हमें इतनी अच्छी जॉर्जियन नहीं आई, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड जॉर्जियन क्लासेस एंड दे आर स्पीकिंग गुड जॉर्जियन, सो बट नाउ इन 2023 ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग इट मैंडेटरी टू लर्न जॉर्जियन, बिकॉज आफ्टर फिनिशिंग योर एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया, इफ यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम इन जॉर्जिया एंड इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन जॉर्जिया,
देन यू हैव टू गिव द लाइसेंस एग्जाम एंड इट इज इन जॉर्जियन लैंग्वेज. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न जॉर्जियन वेरी वेल एंड यू हैव टू स्पीक जॉर्जियन वेरी वेल एंड यू कैन यू हैव टू रीड जॉर्जियन वेरी वेल. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी जॉर्जियन फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट यू विल लर्न जॉर्जियन बाय हार्ड टिल द लास्ट सेमेस्टर. अब बात करते हैं आपकी कि आप फ्यूचर कहाँ देखते हो. एक बच्चा जो इंडियन स्टूडेंट है जो जॉर्जिया से पढ़ रहा है और ग्रेजुएट कर रहा है जस्ट लाइक यू, अगर आपका इंडिया का मन नहीं है तो वो बच्चा क्या क्या सोच सकता है अपनी लाइफ के बारे में, कि वो क्या क्या मतलब इज देयर व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर अ स्टूडेंट हु ग्रेजुएट्स फ्रॉम जॉर्जिया. डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? ऑफ कोर्स जी, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से एमबीबीएस करते हो तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आज जाके आप वहाँ का एग्जाम क्लियर करके आप वहाँ काम कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम. और आप यूएसएमएलई के भी दे सकते हो, आप यूकेएमएलई भी दे सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना रेसिडेंसी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम. आपको यूएसएमएलई देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ऑल थ्री स्टेप्स यूकेएमएलई आपको देने पड़ेंगे. तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया में मोस्टली जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी अप्रूव्ड हैं यूएसएमएलई के लिए और यूकेएमएलई के लिए. और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो एक वेबसाइट है, वहां जाके वो चेक भी कर सकता है कि वो एक्रीडेशन है उस यूनिवर्सिटी को कि नहीं. वहां पर मेंशन रहता है यस दिस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड. और फिर आप उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को यूएसएमएलई का प्लान है तो वो ये चेक करना जरूरी है क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज नहीं रिकॉग्नाइज्ड है. आप कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हो? मेरे एक वेबसाइट है मुझे याद नहीं है, मैं आपको ठीक है हम इसमें डाल देंगे लिंक. हां स्टूडेंट्स कैन चेक. वो एक वेबसाइट है वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो. और उसमें जब फॉर एग्जांपल मैंने न्यूविजन का चेक किया था तो न्यूविजन रिकॉग्नाइज थी. हम उसमें जो भी स्टूडेंट्स न्यूविजन में पढ़ रहे हैं वो यूएसएमएलई दे सकते हैं, यूकेएमएलई दे सकते हैं. और बहुत स्टूडेंट को भी आइडिया नहीं है, उनको लगता है कि यूएसएमएलई ईजी है, यूकेएमएलई ईजी है. तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि यूएसएमएलई यूकेएमएलई इज नॉट ईजी, इट इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. ठीक है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यूएसएमएलई क्रैक कर सकते हो. वन इन द 1000 स्टूडेंट्स यूएसएमएलई क्रैक कर पाता है. और इंडिया जैसा नहीं है, जो इंडिया में पीजी निकालते हैं जो स्टूडेंट्स, ये रियलिटी है, जो इंडिया में पीजी निकाल पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ वही यूएसएमएलई निकाल पाते हैं, ऐसा प्रूव्ड किया गया है लोगों के. मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो नीट का एग्जाम है दैट इज नो वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यूएसएमएलई, कुछ भी नहीं है यूएसएमएलई के आगे. और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रियल ट्रूथ फेस करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नीट में आपके 400 आ रहे हैं, आपके 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, आपको पता है इंडिया में कितना कंपटीशन है. अगर आपके 650 से नीचे आ रहे हैं जनरल, हो आपको सीट नहीं मिलने वाली है. तो आप यस करिए कि यूएसएमएलई के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक आपका कितना क्लियर होना चाहिए. आप थर्ड ईयर में एग्जाम दे सकते हो स्टेप वन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट रहते हैं, स्टेप टू आपके क्लिनिकल रहते हैं, स्टेप थ्री आपका यूएस में होता है जाके. तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है. और सिर्फ यूएस में नहीं, ये मेडिसिन ही बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है. अगर आपको लाइफ टाइम हार्ड वर्क करना है तो ही आप इस फील्ड में आइए. यस बिल्कुल, ये लाइफ टाइम हार्ड वर्क है. इसमें आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं 4 साल 5 साल मेहनत करूंगा फिर उसके बाद मैं सिर्फ बैठ के पैसे कमाऊंगा या फिर बैठ के मैं अपना लाइफ एंजॉय करूंगा, ऐसा नहीं है. डॉक्टर का काम बहुत हेक्टिक होता है, आपको जान बचानी आगे चल के, यू हैव टू सेव पेशेंट, बहुत ही हेक्टिक काम है. अभी आप लोग इस फील्ड में आए नहीं हो, जब मैं आया था मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगता था नहीं ठीक है मैं जाके वहाँ पढ़ाई करूंगा, डिग्री लेके आ जाऊंगा, बहुत ईजी है, अपना हॉस्पिटल सेटअप कर लूंगा, बहुत पैसा होगा. ये सबका यही मेंटेलिटी रहती है इंडिया में, मेरी भी यही थी. तो आप कर लोगे शुभम, आप कर लोगे, क्या बात कर रहे हो? नहीं मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल पॉसिबल, जो भी मेहनत करेगा ऑफ कोर्स वो करेगा. बट जो जो जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है यहाँ पर आने के बाद और जितनी आगे करनी है, इसका मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ना मुझे कोई बताने वाला था कि आपको कितना हार्डवर्क है इस फील्ड में. तो अब मुझे रियलाइज हो गया, आई द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डॉक्टर, मतलब अपनी फैमिली में पहले डॉक्टर होंगे क्या? तो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी गाइडेंस रिगार्डिंग दिस फील्ड. ये होता है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के साथ, फैमिली में अगर आप पहले हो तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल ज्यादा पड़ जाता है. अगर आपका कोई हैंड होल्डिंग करने वाला हो तो बहुत चीजें बहुत कम दिक्कत है. तो जैसे मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स आए थे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं,
तो उनके पेरेंट्स ने उनको गाइडेंस दे रखी है, वो लोग अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो उनको एक एक्सपीरियंस रहता है कि भाई कितनी मेहनत करनी है, कैसी लाइफ होने वाली है। लेकिन जो एक नॉन मेडिकल फील्ड से आता है उसको दिक्कत होती है, मुझे बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन मैं सर्वाइव किया है और मैं ये फील्ड में सर्वाइव करूंगा और मेहनत करूंगा, ये मेरा मानना है। और इसी इसी तरीके से आप लोग भी आओ कि आपको ये फिक्स रहना चाहिए कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन उनसे फिर मेडिकल नहीं क्लियर होता है, सब्जेक्ट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और लेकिन वो रह रहे हैं, करे जा रहे हैं, दो दो साल खराब हो रहे हैं उनके, तो दैट इज नॉट गुड। अगर आपसे आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल भी इस फील्ड में मत आइए। अगर आपको पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, आप सोसाइटी के प्रेशर पे आ रहे हो, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके इंटरेस्टेड फील्ड में जाइए इन 2023। इफ यू आर गोइंग इन सच अ फील्ड दैट यू डोंट लाइक, आपको सक्सेस आपकी नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर। मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें आप 200% देते हो। अगर किसी स्टूडेंट का गेम खेलने का मन है, वो गेमिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो वो अपना 200% देगा। लेकिन आप अगर उसको फुटबॉल में डाल दोगे, आप उसको पढ़ाई में डाल दोगे, तो वो 200% नहीं दे पाएगा अपना, तो सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से नहीं जाते मेडिसिन पढ़ने के लिए, वो अपने पेरेंट्स या फिर प्रेशर या फिर फ्रेंड्स पीयर प्रेशर किसी वजह से जाते हैं। वो लोग सक्सेस होना उनका बहुत कम चांसेस होते हैं। हो सकता है हो भी जाए, वी नेवर नो, क्या पता उनका माइंड चेंज हो जाए, चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाए। लेकिन एक मेडिसिन ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर आपका दिल, आपका पैशन नहीं है अगर मेडिसिन में, तो शायद ये आपके बिल्कुल, लिए नहीं है, शायद ये आपके लिए नहीं है। यस जिस दिन आपकी यही, फ्लाइट शुभम, तो उस दिन वैभव भी गए थे, वैभव भोपाल, यस, हाउ इज ही? ही इज ऑल्सो गुड, ही इज विथ मी ओनली एंड वी आर इन सेम सेमेस्टर एंड वी ओके बोथ विल बी ग्रेजुएटेड इन दिसंबर एंड जनवरी। वैभव भोपाल ना, यस, न्यू विजन यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल है, ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसका अपना हॉस्पिटल था, राइट? तो कैसा रहता है यस, हॉस्पिटल में फ्लो, कैसा रहता है? मैं अभी जब अभी जॉर्जिया में थी, मैं न्यू विजन हॉस्पिटल में पहली बार मैं उस एरिया में गई थी एक्चुअली। तो लास्ट टाइम जब मैं गई तब मैंने देखा, तो कैसा वहाँ पे फ्लो है, आपको कितना इंटरेक्ट करने को देते हैं पेशेंट के साथ, क्या है क्लिनिकल एक्सपीरियंस? तो अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे हमारा, मैं न्यू विजन में हूँ, न्यू विजन का खुद का हॉस्पिटल है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जॉर्जिया में हर यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल नहीं है। वो बताते हैं कि हमारा है लेकिन नहीं होता, उनका कोलैबोरेशन रहता है दूसरे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल से, एफिलिएशन, एफिलिएटेड एफिलिएटेड होता है। रहता है। तो जैसे हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो जैसे आप थर्ड ईयर में आओगे तो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी आपके हॉस्पिटल रोटेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनल मेडिसिन स्टार्ट हो गया, तो आप कार्डियो, फॉर एग्जाम्पल कार्डियो आपका स्टार्ट हो गया, तो आप कार्डियो के सेक्शन में जाओगे, डिपार्टमेंट में, वहां पर आपको जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट से इंटरेक्ट करवाता है। ऑफकोर्स आपको जॉर्जियन नहीं आती है तो एक लैंग्वेज बैरियर रहता है, लेकिन डॉक्टर पूरी हेल्प करता है आपको कि पेशेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, तो पेशेंट क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से उसको एडमिट किया गया, क्या मेडिकेशन चल रही है उसकी, क्या सर्जिकल मेथड यूज करने वाले हैं, कोई सर्जिकल इंटरपेंशन होने वाली है उस पर, तो वो सारी चीजें आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, सारा सिनेरियो आपको बताता है। तो मेरे हिसाब से न्यू विजन में तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा है, और टिबलिसी में भी और भी यूनिवर्सिटीज में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू विजन में ही अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा है हर यूनिवर्सिटी में, बट आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडिया जितना आपको यू नो नेवर पेशेंट का फ्लो, नेवर, इट कैन नॉट बी, बिकॉज इंडिया में इतने जितनी पूरे जॉर्जिया की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आप इंडिया जैसा आपको फ्लो मिलेगा, बट बिल्कुल हाँ आपको बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक जो आपकी स्किल्स होनी चाहिए, उसका ध्यान हर यूनिवर्सिटी रखती है, और आपको उतना नॉलेज और एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा जॉर्जिया में। शुभम, वैसे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बताइए, क्या क्लासेस का टाइम क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहती है क्लासेस की? क्लासेस की ड्यूरेशन मोस्टली मंडे टू फ्राइडे रहती है, तो मंडे फॉर एग्जांपल, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है सारे क्लासेस का, प्रैक्टिकल्स भी नहीं रहेंगे आपके और अपना आपकी कोई क्लासेस रहेंगी, मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, 100% नहीं है ये केस, हर यूनिवर्सिटी में मंडे टू फ्राइडे आपकी सारी क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे आपके सारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे, और जितने भी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम भी रहेगा आपको मंडे टू फ्राइडे ही कोशिश करती है यूनिवर्सिटी करने की, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ऐसा सिनेरियो चलता है यहाँ पे क्लासेस का। और क्लासेस की टाइमिंग रहती है वही, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टू नाइट 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 o'clock, इसके बीच में ही रात रहती है के क्लासेस। 8 बजे तक?
वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेसर है, वो उसको कुछ काम है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आ गया या फिर उसको कोई सर्जरी के लिए जाना पड़ा तो वो बिजी हो गया, तो वो फिर पोस्टपोन कर देता है अपनी क्लास जब वो फ्री होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा रेयर है कि वो 10 बजे रात को क्लास लेगा, बट इट कैन बी, इट सो कैन लाइक हैपन। इट कैन हैपन। सो डॉक्टर टीचर्स, काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं आपके यहाँ पे, डॉक्टर्स टीचर्स? मोस्टली यस 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 मोस्टली जितने भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स हैं, वो सब हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और हमारे लेक्चर प्रोफेसर्स भी हैं वो लोग। ओके। मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वरना हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में जाएंगे जो कि मोर बेसिक्स हैं, नॉट अबाउट दिस। तो कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अभी टाइप करके पूछ सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, इधर इन यूट्यूब और ऑन जूम। एनी क्वेश्चंस गाइस अबाउट जॉर्जिया? मैं स्विच करना चाहूंगी टुवर्ड्स द बेसिक थिंग। पहली बात तो खाना, कैसे अरेंज करते हो फूड का और क्या रहता है तो यहाँ पे आपका? ऑफ कोर्स अगर आप जॉर्जियन खाने की बात करो तो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है और ना ही किसी इंडियन को पसंद आता है यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली ये लोग ब्रेड प्रिफर करते हैं हर चीज में, ये लोग स्वीट और ब्रेड ही प्रिफर करते हैं। तो चीज चीज भी चीज यस, तो जितना भी इनका खाना है वो बहुत ही मतलब बेसिक है, विदाउट एनी मसाला, विदाउट एनी टेस्ट, ये लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं। और मोस्टली यहाँ पर नॉन वेज ही है, पोर्क और बीफ और मीट और चिकन और ये सब बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग यहीं पे। वेजिटेरियंस को इतना ऑप्शंस नहीं है तो थोड़ी आप लोगों को दिक्कत होगी, बट इंडियन रेस्टोरेंट, प्लेंटी ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं तिबलिसी में, हर महीने एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो आपको इंडियन खाने की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और क्वालिटी फूड दे रहे हैं वो लोग, ऐसा भी नहीं कि टेस्ट अच्छा नहीं है, कि कुछ क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाँ, मैं भी रेकमेंड बहुत करना जगह गई हूँ एंड देयर वेरी नाइस फूड, वेरी वेरी गुड। नाइस यार, तो आपको खाने की दिक्कत नहीं होने वाली है। बट हाँ, जॉर्जियन फूड से आपको एक्सपेक्टेशन मत रखिए। राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है कि टिफिन लगा देते हैं रेस्टोरेंट से, टिफिन सिस्टम भी होता है? यस यस, टिफिन कितना सिस्टम है। कितना अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको वेज और नॉन वेज का अलग रेट होता है, वेज का अराउंड $90 है और नॉन वेज का $100 है, वैरी करता है, 10 10 5 डॉलर ऊपर नीचे वैरी करता है अलग अलग टिफिन सर्विसेज का। राइट तो राइट दो टाइम खाना देंगे वो आफ्टरनून में और नाइट में, और एक महीने का यही $90 to $100 आपका रहता है। पर अगर आप सुबह क्लास के लिए चले गए तो आप लंच कैसे खा पाएंगे? तो वो आपको फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लैट के बाहर रख के चले जाते हैं, और आप जब अपनी क्लासेस में आओगे तो फिर आप ले सकते हो, या फिर आप उनको टाइमिंग बता दो कि भाई हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 12 बजे डिलीवर कर रहा है लंच और आपकी क्लास 1 बजे तक है, तो आप उसको कह सकते हो कि इफ इट इज पॉसिबल देन प्लीज डिलीवर इट अराउंड 1 PM, आई विल बी एट होम, तो वो 1 बजे अराउंड आ जाएगा आपको देने। बट ज्यादा लेट होगा तो वो फिर आपके घर के बाहर ऐसे हैंग करके चला जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा लेता नहीं है, और रॉबरी और थीफ ये सब बिल्कुल भी नहीं है जॉर्जिया में। आपका आप एक पेंसिल भी यहाँ रख के चले जाओगे नीचे, वो पेंसिल भी कोई आपका उठा के लेके जाएगा नहीं, इधर ये सब बिल्कुल भी नहीं है, काफी सेफ है इस मामले। बहुत सेफ है, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे साद मलिक का कि इस मेडिसिन जॉर्जिया वैलिड अक्रॉस यूरोपियन यूनियन, कैन आई गेट जॉब अक्रॉस EU आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम जॉर्जिया? यस, यूरोपियन यूनियन में रिकॉग्नाइज है जॉर्जिया की मेडिसिन, आप MBBS यहाँ से करोगे रिकॉग्नाइज है, लेकिन आपको जिस कंट्री में भी आपको जाओ, फॉर एग्जांपल आपको जर्मनी जाना है तो आपका वहां का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो भी उस कंट्री का एग्जाम होता है आप उसको क्लियर करिए, उसके बाद आप बिल्कुल उस कंट्री में जॉब कर सकते हो विदाउट कोई हेजिटेशन, विदाउट कोई प्रॉब्लम। हाँ, या तो आपका कोई इंटरव्यू होगा या कोई रिटर्न टेस्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, बिना ऐसे तो आपको देने नहीं कि आ जाओ काम कर लो, कल से आ जाना। इट्स अ वेरी इट इज नॉट पॉसिबल, द रीजन इज, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ साद मलिक को, कि फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी जा रहे हो एडमिशन लेने, आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, आपको जर्मन जर्मन लैंग्वेज का जी भी नहीं आएगा, आप वहाँ इंटरेक्ट कैसे करोगे पेशेंट से, आपकी वहाँ सारी मेडिकेशन जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज में होंगी, सारे प्रिस्क्रिप्शन जर्मन लैंग्वेज में होंगे, केस रिपोर्ट जर्मन लैंग्वेज में होगी, सारे सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में होगा, और आप अगर जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम नहीं क्लियर करोगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ जाके काम करो और पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हर कंट्री का ये रूल होता है, किसी भी कंट्री में आप जाओ, जर्मनी जाइए, पोलैंड जाइए, कहीं भी जाइए, उस कंट्री का एक एग्जाम होता है, लैंग्वेज एग्जाम भी होता है और लाइसेंस एग्जाम भी होता है,
ताकि वो ये क्वालिटी वो इसलिए नहीं होता है कि आप वहां पर वैलिड नहीं हो, वो इसीलिए होता है कि आप केपेबल हो कि नहीं उस कंट्री में काम करने के लिए। आपकी क्वालिटीज जो आप पढ़ के आए हो, आपके नॉलेज, आप केपेबल होने चाहिए उस कंट्री में काम करने के लिए, इसीलिए वो एग्जाम बैरियर रखते हैं। आप उसको क्रॉस करिए और उसके बाद बेझिझक विदाउट कोई प्रॉब्लम आप उसके किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं भी जर्मनी में थी, तो वहाँ पे आपको ना फॉर मेडिसिन आपको C1 तक आना चाहिए, ऑफ कोर्स, A1, यस A2, B1, यस B2 एंड C1, तो उस लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को लेकर। यस और उसके बाद उनका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एग्जाम होता है कि आपको हाँ होता है, जर्मन यस लैंग्वेज में कोई हर चीज़ आई या नहीं आई, तो दैट इज यस इम्पॉर्टेंट। ओके, एनी मोर क्वेश्चन तो आप लोग पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट का आपने बता दिया, आपने प्राइस भी बता दिया। वेदर देखो, अभी जैसे अभी नवंबर में बच्चे पहुंच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो नवंबर में क्या वेदर रहता है और क्या उनको कितना हेविली वो करके आना चाहिए? तो वेदर तो यहाँ पर अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, बहुत अच्छे है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, बट आपको ऐसा है कि नॉर्मल मीडियम मीडियोकर टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर अब चल रहा है अभी और ठंड आ चुकी है, आप लोग विदाउट हुडी विदाउट यू नो नॉर्मल जैकेट आप बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि इतनी ठंड है। सुबह आफ्टरनून में आप जा सकते हो लेकिन रात होते होते अच्छी ठंड हो जाती है यहाँ पे, और दिसंबर जनवरी फेब लास्ट जन और फेब तक ठंडी चलती है मोस्टली, उसके बाद फिर मार्च से आपका वही समर स्टार्ट हो जाता है और समर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 30-35 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर, लेकिन अच्छी गर्मी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये समय में हाँ, आके गर्मी आप काफी अच्छी है, हाँ अब हो गई है। थैंक्स तो आप क्लाइमेट रेडी चेंज। रहिए उसके लिए। यस स्टूडेंट्स को बताइए, टीआरसी क्या होता है, उसकी क्या नीड होती है, क्या आपका टीआरसी एक्टिव इनएक्टिव क्या है? यस वो सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने बताया। ये टीआरसी, जैसे आप तिबलिसी लैंड करोगे आपका 90 डेज का टेम्परेरी वीजा रहता है, आप सबको पता है, आपके कंसल्टेंट आपका लगा के देंगे 90 डेज का वीजा। टिबलिसी लैंड करते ही आपको जिस हॉस्टल में भी आप रहने वाले हो, जो भी ओनर है उस हॉस्टल का, वो आपका टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के लिए एप्लीकेशन, यहाँ पर जस्टिस हाउस करके जगह है वहां पर आपको जाना है, अप्लाई करना है। तो वहां पर 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगती है, रेसिडेंशियल प्रूफ लगता है, ओनर के सिग्नेचर लगते हैं, अब नया रूल आ गया है कि ओनर का सिग्नेचर भी लगता है वहां पे। तो ये सब चीजें आपको वहां जाके जस्टिस हाउस में करनी है। बैंक स्टेटमेंट आप फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल वाले आपका बैंक स्टेटमेंट लगवाएंगे, सब कुछ हॉस्टल वाले करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहां जाना है, अपना पासपोर्ट देना है और सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपका सारा काम प्रोसेस डन हो जाएगा। उसकी फीस रहती है वो आपको पे करनी है और बस, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप हॉस्टल को पे कर रहे हो तो हॉस्टल वाले ही फीस पे कर देंगे आपकी, वो उसमें भी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 1 मंथ आपका टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड बन के आ जाता है। टीआरसी कार्ड जो कुरियर होके जो आता है उसमें प्लास्टिक कार्ड की भी अलग से वैल्यू ले रहे हैं। मैं दिखा देता हाँ हूँ आपको दिखा एक दीजिए। बार, हाँ, नाइस। तो ऐसा ऐसा रहता है आपका टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, यहाँ पर आपकी फोटो होती है और यहाँ पर आपका नाम, डिटेल जो आपके पासपोर्ट में नाम और मेंशन रहता है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, और यहाँ पर आप पर्सनल नंबर रहता है, इस पर्सनल नंबर से ही आप लोग यू नो आप अपनी इनएक्टिव एक्टिव पॉलिसी। कर सकते हैं, यस राइट राइट। तो इसमें मेक श्योर करना चाहिए कि आपका अपना नंबर ही हो। ऑफकोर्स आपका अपना नंबर होना चाहिए, और आप फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल छोड़ते हो, कभी आपने फ्यूचर में हॉस्टल छोड़ा और आप फ्लैट गए, तो मेक श्योर करिए कि आप अपना एड्रेस प्रूफ अपडेट करवाइए वहां पे, डेट वरना करवाएं। आपकी टीआरसी इनएक्टिवेट हो जाती है। और इनएक्टिव होने के बाद आप अगर जॉर्जिया क्रॉस कर गए इनएक्टिव टीआरसी में, और आप फिर वापस जॉर्जिया में एंटर नहीं कर सकते जब तक आपकी टीआरसी एक्टिव नहीं हो जाती है, तो उसके लिए फिर आपको लॉयर करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस, आपके जो वेरी भी सब लेंथी डॉलर खराब प्रोसेस। होते हैं, तो इट्स बेटर कि सारे काम आप टाइम पे करो। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने बहुत टाइम दे दिया अपना, ये आपको सुनने में आ रहा होगा बहुत ज्यादा, एनएमसी फॉलो एनएमसी नो फॉलो, एनएमसी का क्या है, न्यू गेजेट। आप देखो, मैं एनएमसी समझती हूँ इस बात को कि स्टूडेंट्स को ना इतनी कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि एनएमसी के जो भी वर्ड्स, तरीका बोलने का या फिर लिखने का है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, तो आप अच्छा, आप अपनी डिग्री लेने के बाद एज अ डॉक्टर यहाँ पे क्या हॉस्टल में जॉब कर सकते हैं? जैसे आपकी यहाँ पर एमडी कंप्लीट होती है, एमबीबीएस यहाँ पर एमडी बोलते हैं, मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपके आप जूनियर डॉक्टर की तरह काम कर सकते हो यहाँ पे,
लेकिन आपकी सैलरी इतनी कम रहती है कि कोई भी यहाँ पर काम करना नहीं चाहता। इवन जो जॉर्जियंस यहाँ पर एमबीबीएस पढ़ रहे हैं वो लोग खुद यहाँ पर काम नहीं करते हैं। वो कहीं और तो जाते हैं। इंडियंस कैसे, ऑफकोर्स वो लोग दूसरी कंट्री जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, यूएस, यूएसएमली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाते हैं वो लोग, और खुद वो अपनी कंट्री में काम नहीं करते हैं क्योंकि जूनियर डॉक्टर की सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपको 500 to 1000 ला रही, इट इज नथिंग। नथिंग। आप सोचिए एक जूनियर डॉक्टर की सैलरी 1000 ला रही, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 रुपीज मैं थोड़ा एंड बता चाहूंगी कि देखिए जो जहाँ पे इतनी कम इसलिए भी है कि यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, तो इतनी नीड ही नहीं है डॉक्टर की, नहीं और है। उस वजह से और जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो इसलिए लो कॉस्ट है। जो ऑफकोर्स और जूनियर डॉक्टर का रोल बहुत कम है इसीलिए उसकी सैलरी बहुत कम है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो यहाँ पे, यहाँ का आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर करते हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनते हो, तो फिर आपका स्कोप ज्यादा है, अच्छे हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यू हैव टू बी केपेबल, आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप जॉर्जिया में एक डिसेंट सैलरी उठा सकते हो। सिर्फ जूनियर डॉक्टर होने के बाद कोई भी काम नहीं करना चाहता है, बिकॉज इंडियन नर्स बट द क्वेश्चन इज एज पर एफएमजीएल रूल, क्या आप एज ए डॉक्टर जूनियर डॉक्टर काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, मतलब नो मैटर व्हाट इज द सैलरी, बिना किसी एग्जाम के? विदाउट किसी एग्जाम। लेकिन आपको जॉर्जियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको जॉर्जियन तभी लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। अगर वो आपको अलाउ कर भी देंगे तो आप नहीं कर पाओगे काम वहां ही पे। नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन है, कैन यू गिव एन आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जॉर्जिया? यस ऑफ कोर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल तो आप 2500 to 3000 डॉलर पर ईयर आप हॉस्टल का चार्ज पकड़ के चलिए, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना, लॉन्ड्री और लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है, विद इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर और हीटर, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। 2500 to 3000 डॉलर्स फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में आप मंथ आप रहते हो, 2 मंथ आपकी वेकेशन रहती हैं, तो आप इंडिया गए तो ठीक, नहीं गए तो भी ठीक। और अगर आप फ्लैट लेते हो तो इफ आई टॉक अबाउट 2018, तब फ्लैट के रेट बहुत कम थे, और अब 2023 में जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन, रशिया, अलग अलग कंट्रीज स्टूडेंट्स माइग्रेट हो रहे हैं जॉर्जिया में, तो यहाँ के भी ऑफ कोर्स सबको पैसा कमाना है, तो यहाँ के ओनर्स ने भी स्पाइक कर दिया रेट फ्लैट्स के। तो मिनिमम 2 BHK अगर आप लेते हो तो 400 to 600 डॉलर, 700 डॉलर आपका जाने वाला है बजट। तो 2 BHK में अगर आप 4 स्टूडेंट्स लेते हो और 600 डॉलर का फ्लैट, तो 150 डॉलर पर हेड आपको आएगा फ्लैट का रेंट, और उसमें ही आपको 20 से 30 डॉलर आप पर हेड बिल्स पकड़ लीजिए। बिल्स में आपका वाईफाई, वाटर, क्लीनिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 बिल आते हैं आपके, और वो अप्रोक्सीमेटली आप 200 डॉलर पकड़ के चलिए रेंट के लिए फ्लैट पे, और 100 डॉलर आप अगर अपना एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात करिए तो मेरा 400 to 500 डॉलर्स एक्सपेंस जाता है पर मंथ, वो वैरी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 300 डॉलर में भी रह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 400 में भी रह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो, जिम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, यू नो आप बाहर रेस्टोरेंट जा रहे हो कि नहीं, आप शॉपिंग करने जा रहे हो कि नहीं, वो तो वो सब आपके ऊपर है। बेसिक आप 300 to 500 डॉलर आप लेके चल सकते हो एक 300 महीने से के कम लिए, नहीं 500 होगा और 500 तक में हो जाएगा। से ऊपर आप नहीं होगा अगर आप नॉर्मली रहते हो। तो यहाँ जिम सस्ते हैं महंगे, कैसा है यहाँ पे जिम का? आपको जिम अराउंड तो 15 लाख लाइफस्टाइल हो रेंज गया, में है, स्टूडेंट्स का लाइफस्टाइल है ये। ऑफ कोर्स, और वो जरूरी भी है क्योंकि मेरे हिसाब से वो जरूरी, क्योंकि मैं डे वन जब मैं तिबली से आया हूँ तब से ही मैं जिम ज्वाइन करी और मैं रेगुलर हूँ, क्योंकि जब पढ़ते रहते हैं ना तो एक मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है कि भाई अब मेंटल बन गया है, तो एक एक्सरसाइज एक में कैसी चीज जो आपको यू नो फ्रेश फील कराती है, आप रिलैक्स हो जाते हो जिम जाके। तो अगर आप एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप जिम को दे रहे हो तो इस इट्स लाइक गुड फॉर, आप फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में भी एनहेंसमेंट होती है, तो बिल्कुल। इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट्स गुड। सो हाउ मच इज द कॉस्ट? इट्स अराउंड 50 to 80 जेल, बिटवीन 50 to 80 जेल, 50 to 80 डिपेंड जेल। करता है। या सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 INR अकॉर्डिंग इंडियन रुपीज। अगर कोई माइनर आता है जॉर्जिया में तो टीआरसी में दिक्कत आती है क्या उसको? नहीं कोई टीआरसी में कोई दिक्कत नहीं है माइनर, हाँ सॉरी माइनर के लिए कह रहे हो क्या? यस माइनर के लिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि उसके पेरेंट्स के फिर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पासपोर्ट लगता है, और फिर वो लॉयर करना पड़ता है, वो सब बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से
अगर 17 ईयर कोई है और वो एडमिशन लेना चाहता है तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि वो 18 होने के बाद ही एडमिशन ले, क्योंकि फिर लेंथी प्रोसेस आता है। जैसे आपको पता है, आप तो कितने, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, ये जॉर्जिया में भी लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि माइनर हो आप एडमिशन ले रहे हो, यहाँ पर वीजा में दिक्कत आएगी आपका, फिर अब क्रॉस करो कंट्री उसमें दिक्कत आएगी, इंडिया में वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, बीएफएस में दिक्कत आएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप 18 हो जाओ और उसके बाद ही एडमिशन लो। मैं ये बोलना चाहूंगी इसमें कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ता है, बट अगर आप किसी तरीके से अच्छे से करो प्रोसेस तो, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट कुछ बच्चों को भेजा था जो गए थे, अनुज पूछ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन जॉर्जिया विद लोकल पर्सन, मतलब लोकल लोग बोलते हैं इंग्लिश? यस, लोकल लोग बोलते हैं इंग्लिश, पर मिडिल एज और यंग लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इंग्लिश, उनको आती है, यंग स्टूडेंट्स को, या फिर आपके 20s में है कोई, थर्टीज, उनको इंग्लिश आती है। लेकिन आप ओल्ड एज पीपल से और उनसे, एल्डर्स से, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जिनको नहीं अच्छी लगती है, वो लोग आपसे डायरेक्टली बोल देंगे कि तुम लोगों को जॉर्जियन क्यों नहीं आती है, तुम जॉर्जिया में रह रहे हो, तुम्हें जॉर्जियन क्यों नहीं बिल्कुल आती है। सही तो बात है। इंग्लिश आती है, आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। बस 10-15 वर्ड है जॉर्जियन के, वो सीख लीजिए, और अगर आप कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो किसी को, तो ट्राई टू यूज गूगल, गूगल पर उसको फोटो दिखाइए, ट्रांसलेट करके दिखाइए, तो समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भाई इंडिया में क्यों एक्सपेंसिव है जब वहां इतना सस्ता है। इंडिया में एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि इंडिया में बिजनेस बना रखा है इस चीज को। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में अब एक हाइक बना दिए एमबीबीएस की, डॉक्टर्स की, और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, वो सब पॉलिटिशियंस की और बिल्डर्स की है इंडिया में मोस्टली। अगर आप सर्च करोगे तो उनको आपकी एजुकेशन से, आपकी लाइफ करियर का से इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, नॉलेज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसे से मतलब है। तो इसीलिए इंडिया में इतना एक्सपेंसिव है। अब्रॉड में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फीस देखो तो 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल फीस है किसी भी प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन अब्रॉड में वही सब चीजें आपको $5,000 में पढ़ा रहे हैं, तो 8 5 40, मतलब 4 लाख रुपए में आपको, 4 साढ़े 4 लाख रुपए में वही चीज पढ़ा रहे हैं। तो इंडिया भी आपको पढ़ा सकता है, बट इन इंडिया पीपल हैव मनी, तो वो लोग, जिसके पास पैसा है भाई वो 20 लाख भी दे रहा है, जिसके पास नहीं है वो अब्रॉड प्रीफर कर रहा है। जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे फादर ने मेरे को ऑप्शन दिए थे, इफ यू वॉन्ट टू परस्यू एमबीबीएस इन इंडिया यू कैन, आई एम रेडी टू फॉर पेइंग द प्राइवेट फीस, बट आई वॉज लाइक इफ वी आर गेटिंग द सेम थिंग फ्रॉम इंडियन प्राइवेट कॉलेज एंड फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सो व्हाई नॉट टू प्रीफर अब्रॉड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और आपको यहाँ पर एक चीज बेनिफिट है, आपका जो एक्सपोजर का लेवल है वो इंडिया से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे टाइप के स्टूडेंट्स, इतने सारे टाइप के डॉक्टर्स जो यूएसएमसी क्लियर करके भी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो नॉलेज एक्सपीरियंस वो आपको इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कन्फाइंड है सब, मेडिकल कॉलेज में रहोगे और इंडिया में जो दिक्कतें होती है, रैगिंग होती है, और आपको थोड़ा दब के रहना पड़ता है, टीचर से दब के रहना पड़ता है, ये सब सीनियर रियलिटी है। दिस इज रियलिटी, इंडिया में आपको टीचर से दब के रहना पड़ेगा, सीनियर से दब के रहना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, बहुत फ्रेंडली है सब लोग, बहुत ही टीचर से लेके सीनियर से लेके सबको, सब लोग बहुत फ्रेंडली है आपसे। जितना भी एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का है, नॉलेज वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी कोई हेल्प है वो करते हैं। तो ये चीज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको आगे चल के अब्रॉड में सेटल होना है तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। या ये भी क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि भाई इंडियन एम्बेसी तो है नहीं जॉर्जिया में, आपका पासपोर्ट खो जाएगा तो कहाँ जाओगे? तो और दिस या एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि जॉर्जिया में अभी तक इंडियन एम्बेसी नहीं है, अब तो हो जानी चाहिए काम चल क्योंकि रहा नाउ देयर आर सो है। मेनी इंडियंस। ऑफकोर्स, तो काम चल रहा है, अभी न्यूज आ रही है कि इंडियन एम्बेसी खुलने वाली है बहुत ही जल्द जॉर्जिया में, लेकिन अभी तक नहीं है। तो अगर आपका पासपोर्ट वगैरह कुछ खो जाता है तो आपको अर्मीनिया जाना पड़ेगा, और अर्मीनिया यहाँ से बहुत ही पास में है, अराउंड 60-70 किलोमीटर यहाँ से अर्मीनिया है। तो आप वहां जा सकते हो और वहां पर इंडियन एम्बेसी, वहां पर आपका सारा पासपोर्ट का काम हो जाएगा। लेकिन ट्राई करिए कि आप पासपोर्ट लेके ट्रेवल ना करो कहीं भी, आपका पासपोर्ट आपके घर में ही रहना चाहिए, सिर्फ आपके पास टीआरसी काफी है, फैमिली, टीआरसी टीआरसी इज इनफ, और वो भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में फोटो रखिए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको कोई पुलिस रोकती है तो आप सिर्फ उसको फोन में फोटो दिखा दीजिए, वो अपने डिवाइस में चेक कर लेते हैं,
खत्म काम, आपको कैरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कुछ, पुलिस वगैरह से इंडियंस को परेशान तो नहीं करते यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं परेशान करती है, कोई मतलब नहीं उनको। आपको कोई दिक्कत है आप उनके पास जा सकते हो, हेल्प करना चाहेंगे वो कर देंगे, नहीं है उनके बस की तो बोल देंगे भाई हमसे नहीं होगा आप अपना सॉर्ट कर लो खुद, लेकिन वैसे कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी पुलिस की तरफ से। दैट्स इट। आई थिंक मेरे तो क्वेश्चंस हो गए खत्म। आई थिंक स्टूडेंट्स के भी हो गए, मैं वो देख लेती हूँ। टीआरसी मैंने पूछ ही लिया है, कॉस्ट मैंने पूछ लिया है, ड्यूरेशन 6 ईयर्स है, लाइसेंस एग्जाम है नहीं, ओके कूल। सो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि शुभम एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो है। एज अ स्टूडेंट उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं, ऐसे बहुत से मिथ्स भी ब्रेक कर रहे हैं जो अभी तक चल रहे थे और या फिर लोग बोलते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स। अगर कोई ये प्रमोट कर रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव, वो कर रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव। तो ये जरूरी कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को भी मिथ्स को ब्रेक करना। तो आप शुभम के चैनल को मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और शुभम जब 2018 में गए थे तो वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं जब ये एयरपोर्ट से सी ऑफ कर रहे थे, तो हमने एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो बनाया था जो कि बहुत अच्छा था, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, जरूर चेकआउट करेगा। एंड शुभम थैंक यू सो मच, इट वॉज सो नाइस। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज इट्स वेरी मच नीडेड। हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, यू नो सब पीपल आर रियली शाय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते वक्त अच्छी तरह बताएं और हर चीज़ के बारे में खुल के बोलें। सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिग्री कमिंग इन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स इन फ्यूचर। जो भी आप एग्जाम दो, MCI दो या जो भी दो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। आप कुछ कहना चाहते हैं? कोर्स एंड मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बुक माई यूनिवर्सिटी एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो आप प्रिफर कर सकते हो, और मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस कंसल्टेंसी से आया हूँ। मैंने देखा है आजकल जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं वो फेक प्रोमिसेस बहुत करती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप तबिलिसी पहुँचोगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं बिल्कुल भी। और मैं नाम नहीं लूंगा कंसल्टेंसी के, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप जब यहाँ पर जॉर्जिया आओगे तो आपको इतने सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे वो आपको बताएंगे रियलिटी। मैं जब आया था यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने ट्वाइस और थ्राइस टाइम पेमेंट करी है मेरे, जितनी मैंने पे कराया कंसल्टेंसी को, और उनको इतने ज़्यादा प्रोमिसज किए गए थे, इतने ज़्यादा फेक प्रोमिसज किए गए थे। जब लोग यहाँ पर आए थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको ऐसा था कि भाई इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है सिर्फ यू नो। तो मैं ये 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और बुक माई यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको पता है युक्ति मैम हर कंट्री जाके रियल ट्रूथ आपको बताती है, ऐसा नहीं कि वो आप इंडिया में बैठ के आपको बता रही कजाकिस्तान में क्या सिस्टम है MBBS का और यूनिवर्सिटी कैसी है। वो खुद कजाकिस्तान जाके, यूनिवर्सिटी जाके, स्टूडेंट के पास जाके मिल के आपको पूरा कैंपस और स्टूडेंट का इंटरव्यू भी आपको दिखाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कंसल्टेंसी ये नहीं कर रही है। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी कंसल्टेंसी को जाके यू नो हर कंट्री में जाके वीडियो बना के स्टूडेंट को रियलिटी बताने का, ये सब में नहीं है इतना टाइम, और सब लोग ये प्रीफर ही नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, स्टूडेंट का फ्यूचर वो लोग नहीं देखते हैं। एक बार आप तिबलिसी पहुंचे उनका आपसे कट ऑफ हो जाता है, आपको कोई दिक्कत है उनसे कोई मतलब नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत है उनको कोई रिलेशन नहीं है, आपको पैसे आपने पे किए आप तिबलिसी लैंड कर गए खत्म काम। तो ये सब गलत है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक कंसल्टेंसी प्रमोट कर रहा हूँ। बुक माई यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ दोज कंसल्टेंसी, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, आप बिल्कुल प्रीफर करिए। किसी भी कंट्री में आपको जाना है युक्ति मैम आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देने वाली है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा फास्ट काम मेरा एक्सपीरियंस है कि युक्ति मैम ने मेरा तो बहुत ही फास्ट काम करवाया था, मेरे को तो बहुत दिक्कत हो गई थी, मेरा 1 साल खराब हो गया था। मैंने भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हमने गलत कंसल्टेंसी चूज कर ली, तो मैंने भी गलत कंसल्टेंट चूज किया था एक बार, और उसके चक्कर में मेरा 1 साल खराब हुआ है। और फिर जब मैं युक्ति मैम के पास आया तो इन्होंने मेरा विद इन फ्यू वीक्स ही सब काम करा दिया था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल बुक माई यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करिए, और मैम के वेबिनार्स होते रहते हैं, और यूट्यूब भी आप मैम का फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मैम रेगुलर अपडेट डालती रहती हैं सारी कंट्रीज के बारे में और जितने भी गवर्नमेंट रूल निकालती रहती है, तो आपको आपके जरूर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सब्सक्राइबर देखना बढ़ गए होंगे। माय स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आई हैव सब्सक्राइब हिज चैनल, ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल शुभम द्विवेदी का, प्लीज देखिए और जरूर करिए और ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी स्टूडेंट्स को ये सारी रियलिटी बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि
यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप ये काम कर रहे हो क्योंकि बहुत कंसल्टेंसी ये नहीं कर रही है। बैक ऑफ द स्क्रीन बैठ के बोलना, काम करना, ये सब बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को फेस करके सारी रियलिटी बताना, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना, ये बहुत ही ब्रेव चीज होती है जो सब नहीं कर पाते। तो थैंक यू टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच शुभम, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।